वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये वाले वीडियो में आप लोग को 100 क्वेश्चन मिलेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर, और एक वीडियो में 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 वीडियोस आएंगे। फिर 5 वीडियोस को जोड़ के एक मास्टर वीडियो बन जाएगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर MCQ है, और ये जो MCQ है इसको आप क्विज के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। जब मैं आंसर बताता हूँ उसके पहले आप वीडियो को पॉज कर दें और अपनी कॉपी में ABCD जो भी सही आंसर लगता है वो आप लिखें, और फिर वीडियो को प्ले करें और मेरे आंसर से फिर मैच करें। इस तरह आप ये पता कर सकते हैं कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, इस तरह आप मालूम कर सकते हैं। तो इसको आप क्विज के रूप में सॉल्व करिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पोएम्स वर ओरिजिनली कॉल्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई जो पोएम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, उसको शुरू में क्या बोलते थे, शुरू में उसका क्या नाम था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लीच गैदरर। जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, उसको शुरू में लीच गैदरर टाइटल दिया गया था। फ्रेंड्स, ये जो पोयम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसमें कुल मिला के 20 स्टैंजाज हैं, और इसको राइम रॉयल स्टाइल में लिखा गया है, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें लीच गैदरर से जो उनकी मुलाकात हुई थी उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड जो एरिया है वहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ की मुलाकात लीच गैदरर से हुई थी, लीच इकट्ठा करने वाले एक व्यक्ति से हुई थी। तो उस मुलाकात की याद में इन्होंने ये पोयम लिखी थी और उसका जिक्र भी इन्होंने किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो किस तरह के पोएट थे? फ्रेंच पोएट थे, इंग्लिश पोएट थे, इटालियन पोएट थे या अमेरिकन पोएट थे? तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश पोएट थे और उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था, कॉकरमाउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। 7 अप्रैल 1770 कॉकरमाउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये भी आप लोग याद कर लें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, विच पोएम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। तो इस सवाल में पूछ रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लॉर्ड नेल्सन की मौत पर कौन सी पोएम लिखी थी। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर डी, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर। ये पोएम थी जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लॉर्ड नेल्सन पर लिखी थी, तो डी वाला इसमें सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम थी ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। लॉर्ड जो नेल्सन थे वो नेपोलियनिक वॉर के हीरो थे, और उनके लीडरशिप में ब्रिटेन ने बहुत सी जंग जीती थी, और जो उनकी मृत्यु थी वो 47 ईयर्स में हो गई थी। ये इनकी फ़ोटो है लॉर्ड नेल्सन की, जो कि एक योद्धा थे, और उनकी लीडरशिप में ब्रिटेन ने बहुत सी जंग जीती थी, और ये कुल मिला के बहुत ही अच्छे योद्धा थे, बहुत ही वीर योद्धा थे, और इनको हीरो माना जाता था। तो इनकी ही याद में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोयम लिखी है। ये जो पोयम है इसका नाम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हर्ट दैट लव्ड हर। जो नेचर है यानी कि कुदरत है वो कभी भी बिट्रे नहीं करती है, धोखा नहीं देती है, विश्वासघात नहीं करती है जो उससे प्यार करता है। तो दीज लाइन्स कम्स फ्रॉम, ये जो लाइनें हैं कहाँ पे आती हैं? तो फ्रेंड्स, सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर ए, टिंटन एबी, जो इनकी पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम है, वहाँ से ये लाइन ली गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टिंटन एबी। दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इन विच ईयर टिंटन एबी पोएम वाज कंपोज्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि टिंटन एबी जो पोएम है वो किस ईयर में कंपोज की गई है। सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर
सी 1798 में टिंटन एबी को कंपोज किया गया था, और जो 1798 का जो ईयर है उसमें उस समय जो विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है द प्रेल्यूड, वो भी वहाँ पे पब्लिश हुई थी। तो 1798 जो है वो इसलिए जाना जाता है। जो टिंटन एबी को इन्होंने 1798 में लिखा भी था और टिंटन एबी पब्लिश भी हो गई थी 1798 में, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया था। और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है लिरिकल बैलेड वो भी 1798 में पब्लिश हुई थी। फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए इमोर्टैलिटी ओट पोएम वाज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ इन, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है इमोर्टैलिटी ओट उसको किस स्टाइल में लिखा गया है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ब्लैंक वर्स, आयम्बिक पेंटामीटर, हीरोइक कपलेट, पिंडारिक ओड। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, पिंडारिक ओड में लिखा गया है। इमोर्टैलिटी ओड को पिंडारिक ओड में लिखा गया है। और फ्रेंड्स ये जो पोएम थी इमोर्टैलिटी ओड, जिसको हम बोल देते हैं शॉर्ट में, इसका जो पूरा नाम है वो है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इसका पूरा टाइटल था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ पोएम इमोर्टैलिटी ओड कंपोज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो पोएम लिखी है इमोर्टैलिटी ओड, उसका सोर्स क्या था, वो कहाँ से, उसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है, मतलब कि उसका सोर्स कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे भी चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर सी, हेनरी वॉन की पोएम है द रिट्रीट, वो वहाँ से इसका सोर्स लिया गया है। उसको पढ़ने के बाद ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये वाली पोएम लिखी है इमोर्टैलिटी ओड। हेनरी वॉन की पोएम है द रिट्रीट, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फॉलोइंग लाइंस बिलोंग टू विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ? ए वर्शिपर ऑफ नेचर, ए हीदर केम अनवेरीड इन दैट सर्विस रादर से विद वार्मर लव, ओ विद फार डीपर जील, ओ होलियर लव नॉट विल्ट दाउ देन फॉरगेट। तो ए वर्शिपर ऑफ नेचर, तो यहाँ से ही पकड़ में आ जाता है ये जो पोएम है ये टिंटन एबी से ली गई है, क्योंकि वही जो पोएम है उसमें ही इनको वर्शिपर ऑफ नेचर दिखाया गया है। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो नेचर के बारे में लिखते थे, रोमांटिक पोएट थे, तो ये वाली जो लाइन है, ये जो पोएम की लाइन है ये टिंटन एबी में आई है, तो ये यहीं से मालूम पड़ जाता है। तो इस आप लोग भी इस तरह याद कर लीजिए, जो भी लाइनें होती हैं तो उसमें से कोई एक लाइन आप लोग चूज़ कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए कि ये किस पोएम से ली गई है, इस तरह आप लोग को ये याद करना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ए वर्शिपर ऑफ नेचर के का मतलब याद कर लीजिए आप, ये जो सेंटेंस है इससे आप लोग याद कर लीजिए इसको, तब आसानी होगी आपको याद करने में। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फॉलोइंग लाइंस बिलोंग टू विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ? एंड आई कैन लिसन टू दी येट कैन लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बी गेट दैट गोल्डन टाइम अगेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया है गोल्डन टाइम अगेन, तो यहाँ से मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो कुक्कू की बात हो रही है, यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है टू द कुक्कू उसकी बात चल रही है। तो इन्होंने जो कुक्कू है यानी कोयल है जब वो गाती है, जब वो बात करती है, तो उस टाइम को इन्होंने गोल्डन टाइम बुलाया है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग भी इसको याद कर लीजिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एसटी कॉलरिज स्टार्टेड, विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके जो मित्र थे एसटी कॉलरिज, इन लोगों ने कौन सी एज शुरू की थी? तो फ्रेंड्स हमने आपको पहले बताया है कि रोमांटिक एज शुरू की थी, जो रोमांटिक एज है 1798 से 1837 की जो एज थी उसको ही रोमांटिक एज कहते हैं। और इस एज में जो पोएट्स होते थे वो नेचर के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, रोमांटिक एज। तो फ्रेंड्स जो रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है वो इन दोनों का जो वर्क था लिरिकल बैलेड 1798 में आया था, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम थी और एसटी कॉलरिज दोनों की पोएम थी। और जब वो पब्लिश हो गया था उसके बाद से ही माना जाता है कि रोमांटिक मूवमेंट जो था वो शुरू हो गया था, जो रोमांटिक एज है वो शुरू हो गई थी। तो ये वाला इनका वर्क है लिरिकल बैलेड, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था, और इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम भी है और एसटी कॉलरिज दोनों की पोएम इसमें संकलित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि रोमांटिक एज पीरियड एज। तो जैसा हमने आपको बताया था रोमांटिक एज का जो रोमांटिक एज है वो 1798 से 1837 का जो एज है उसको ही रोमांटिक एज कहते हैं, और इसमें जो पोएट थे उन्होंने नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। जो रोमांटिक एज थी इसको रोमांटिक एरा भी कहते हैं। और फ्रेंड्स 1798 में एक घटना और हुई थी, जो टिंटन एबी जो पोएम थी वो भी लिखी गई थी और पब्लिश की गई थी। तो 1798 में दो चीज़ें हुई हैं, 1798 में दो चीज़ें शुरू हुई हैं, एक तो रोमांटिक एज शुरू हुई है और जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम थी टिंटन एबी उसको कंपोज किया गया था और पब्लिश भी किया गया था 1798 में। इसलिए ये जो डेट है ये आप लोग याद कर लीजिए। दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फॉलोइंग लाइन्स बिलोंग टू, निम्न लाइनें कहाँ से किस पोएम से ली गई हैं? अप विद मी इनटू द क्लाउड्स, मेरे साथ आओ बादलों में आओ, सिंगिंग सिंगिंग, जहाँ पे हम लोग सिंगिंग सिंगिंग यानी कि गीत गाते हुए आओ, विद ऑल द हेवन अबाउट द रिंगिंग, जहाँ पर हेवन है जहाँ पे स्वर्ग है और वहाँ पे मतलब रिंगिंग हो रही है, वहाँ पे ढोल नगाड़े जो हैं वो बज रहे हैं। लिफ्ट मी गाइड मी टिल आई फाइंड, ठीक है मुझको ऊपर ले चलो और मुझको रास्ता दिखाओ जब तक मुझे हेवन नहीं मिल जाता है। दैट स्पॉट विच सीम्स सो टू दाई माइंड, और वो जो जगह है वहाँ पर मुझको ले चलो जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो ये किस पोएम से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये हमने इसको इसी तरह याद किया है जो इसकी पहली वाली लाइन है, अप विद मी सिंगिंग सिंगिंग, मुझको ऊपर ले चलो बादलों में ले चलो और मुझे लिफ्ट मी गाइड मी। तो जहाँ पे आपको यह जगह कि लिफ्ट मी गाइड मी यानी कि मुझको ऊपर ले चलो और रास्ता दिखाओ जहाँ पर हेवन है, तो ये कहाँ से लिया गया है? टू ए स्काई लार्क से लिया गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है टू ए स्काई लार्क, वहाँ से ये लिया गया है। तो फ्रेंड्स स्काई लार्क जो होती है, जो पक्षी होता है वो ये वाला पक्षी होता है जिसको हम लोग गौरैया कहते हैं या चकवा कहते हैं। तो ये आपने पक्षी देखा होगा, तो आप लोग इस पोएम को पढ़ रहे हैं तो इसका वो भी पता होना चाहिए कि स्काई लार्क कौन सा पक्षी होता है। तो ये वो पक्षी होता है जिसके ऊपर विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी है टू ए स्काई लार्क, इसको स्काई लार्क बोलते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसी टाइटल पर टू ए स्काई लार्क पर दो बार पोएम लिखी है। तो कई बार क्वेश्चन में एमसीक्यू में ये भी आ जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन से टाइटल पर दो बार पोएम लिखी है, तो आपको आंसर में बताना है टू ए स्काई लार्क, ये भी कई बार आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आ गया वही सवाल, विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ रिटन टू पोएम्स ऑन सेम टाइटल, विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक ही टाइटल पर दो बार पोएम लिखी है वो कौन सा था? तो जैसा हमने बताया था टू ए स्काई लार्क है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, विलियम वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स इज़ ए, विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया द बॉर्डर्स क्या है? पोएम है, नॉवेल है, पोएटिक प्ले है या नैरेटिव पोएम है? तो फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया ये एकमात्र पोएटिक प्ले है और फ्रेंच रेवोल्यूशन पर आधारित इसकी कहानी है। ये पोएटिक प्ले है, एकमात्र पोएटिक प्ले है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया और ये 5 एक्ट में लिखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पोएटिक प्ले है, पोएटिक प्ले को वर्स प्ले भी कहते हैं, वर्स ट्रेजडी भी बोल देते हैं। द बॉर्डर्स इज़ ए ट्रेजडी इन 5 एक्ट्स बेस्ड ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये एक ट्रेजडी है द बॉर्डर्स जो है, और ये 5 एक्ट्स में लिखा गया है और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पर
इसकी कहानी आधारित है। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विलियम वर्ड्सवर्थ मेंशनड अबाउट रॉबर्ट बर्न्स एंड थॉमस चैटर्टन इन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस पोयम में रॉबर्ट बर्न्स एंड थॉमस चैटर्टन का जिक्र किया है, उसके बारे में बताया है। सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर सी, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इन दो लोगों के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो पोयम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसकी लाइन 43 में थॉमस चैटर्टन के बारे में बताया है, जो कि 18 सेंचुरी के पोएट थे और उन्होंने 17 साल की एज में सुसाइड कर लिया था। और पोयम के 45 लाइन में इन्होंने रॉबर्ट बर्न्स के बारे में बताया है, जो 37 ईयर्स की एज में जिनकी मृत्यु हो गई थी लंबी बीमारी के कारण। दो लोगों का इन्होंने जिक्र किया है इस पोयम में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड मोर्न। यदि हम होप नहीं करेंगे, यदि हम आशा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, सफ़र करेंगे, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी। एंड वी मोर्न यानी हम बहुत ज़्यादा पछतावा करेंगे, बहुत ज़्यादा विलाप करेंगे, बहुत ज़्यादा रोएंगे। इन विच विलियम वर्ड्सवर्थ पोयम दिस लाइन अपेयर। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो लाइन है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोयम में आई है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, एलिजेइक स्टेंजाज। एलिजेइक स्टेंजाज में सबसे जो लास्ट वाली लाइन है, लास्ट वाला जो पैराग्राफ है और उसकी सबसे जो लास्ट लाइन है उसमें, वहाँ पर ये लाइन आई है, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड मोर। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो एलिजेइक स्टेंजाज ये जो पोयम है इसका जो पूरा नाम है वो है एलिजेइक स्टेंजाज सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पील कैसल इन ए स्टॉर्म पेंटेड बाय सर जॉर्ज बोमोंट। ये पूरा इसका नाम है और ये पोयम है पूरी। और जो सबसे लास्ट वाला जो स्टेंजा है उसकी सबसे लास्ट वाली लाइन है, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड मोर्न। ये देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन है। तो ये वाली जो पोयम है ये कहाँ से ली गई है, एलिजेइक स्टेंजाज सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पील कैसल इन ए स्टॉर्म पेंटेड बाय सर जॉर्ज बोमोंट से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द पोयम एलिजेइक स्टेंजाज वाज सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पील कैसल इन ए स्टॉर्म पेंटेड बाय। तो जो ऊपर हमने आपको बताया था सर जॉर्ज बोमोंट द्वारा पेंट किया गया था वो जो चित्र था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज। विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा एक पोयम लिखी गई है रूथ, उसका अन्य टाइटल क्या है, उसका एक और टाइटल है वो क्या है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। जो पोयम का जो पूरा नाम था रूथ और द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ये उसका पूरा नाम था। और रूथ माने होता है दया करुणा। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। फॉलोइंग लाइन्स बिलोंग फ्रॉम विच पोयम। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें ये डेफोडिल्स आ गया है, तो यहाँ से आप लोग पकड़ लेंगे कि ये किस पोयम से आया है। ये डेफोडिल्स पोयम से आया है। डेफोडिल्स पोयम का एक दूसरा नाम था आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये इसका नाम था। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो यहीं से मालूम पड़ जाता है कि ये डेफोडिल्स पोयम से लिया गया है। तो डेफोडिल्स पोयम का जो एक दूसरा टाइटल था आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लास्ट पैराग्राफ है ये जहाँ से ये पोयम के लाइंस ली गई हैं। और फ्रेंड्स ये जो पोयम थी इसका जो पहले टाइटल था आई वेंडर लोनली एज ए क्लाउड है, लेकिन इसको डेफोडिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और डेफोडिल्स का जो टाइटल था वो पालग्रेव ने दिया था। पालग्रेव कोई हैं व्यक्ति, उन्होंने ये टाइटल दिया हुआ है डेफोडिल्स के का। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। फॉलोइंग लाइन्स बिलोंग फ्रॉम विच पोयम। निम्न लाइनें जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं,
लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स, हम नेचर में बहुत थोड़ा ही देख पाते हैं जो कि हमारा है। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे ए सॉर्डेड बून, और हमने अपना जो दिल है वो कहीं और लगा दिया है। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, और ये जो समुंदर है ये अपना जो अपनी छाती जो है किसको दिखाता है, मून को दिखाता है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, और जो हवाएं हैं वो बहुत हाउल करती हैं, बहुत आवाज़ करती हैं जब वो चलती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पूछ रहे हैं कि ये जो पोएम है ये जो लाइंस हैं ये किस पोएम से ली गई हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, वहाँ से ये पोएम ली गई है। और ये जो पूरा टाइटल है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, यानी कि हम लोग बहुत ज़्यादा सांसारिक हो गए हैं और हम लोग नेचर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। यहाँ पर पोएट यही कहना चाहता है। तो फ्रेंड्स याली जो पोयम है द वर्ल्ड इज़ टू मच, इसमें प्रोटियस एंड ट्राइटन सी गॉड्स के बारे में भी बताया गया है। जो प्रोटियस है वो एक ग्रीक गॉड है जो कि अपना रूप बदल सकता है, और एक जो दूसरा गॉड है ट्राइटन वो जो है वो शंख से निकलता है और वो शंख बजाता है जिससे समुद्र की जो वेव्स हैं वो शांत हो जाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है इस वीडियो में। इसके बाद आपको फिर एक वीडियो मिलेगा, 5 वीडियो मिलेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और फिर पांचों को जोड़ के एक मास्टर वीडियो बन जाएगा जिसमें आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर 100 MCQ मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।